करीब 18 साल पहले की बात है, जब हमारे राज्य में किसी तरह का कोई संकट नहीं था। एक दिन हमारे राज्य में कोई साधु महात्मा आकर पास के जंगल में रहने लगा। उसे जड़ी बूटी के उपचार के साथ साथ जादुई कलाएं भी आती थीं। उसने कम समय में ही लोगों का विश्वास जीत लिया था। हर समस्या के समाधान के लिए लोग उन्हीं के पास जाते थे। एक दिन राज्य सिंहासन की लालसा में नरवीरा उनके पास गया। उस साधु ने नरवीरा से कहा, तुम्हें राज्य का सिंहासन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। राज्य की लालच में नरवीरा अपने ही सैनिकों को एकांत गुफा में साधु के पास पहुंचाने लगा। धीरे धीरे जब सैकड़ों सैनिक गायब हो गए, तब तहकीकात से पता चला कि यह काम साधु और नरवीरा का है। कैद हो जाने के बाद उस साधु ने बताया कि वह दुश्मन मुल्क का सैनिक है। वह हमारी सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए आया था, इसलिए उसने हमारे सैकड़ों सैनिक मार डाले। वह कोई परमात्मा नहीं है। यह जानकर हमने उस साधु को मृत्यु की सजा दे दी और नरवीरा को हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया। देखो मिराज मेरे लिए क्या लेकर आया है। सुना है कि ये तलवार खून मांगती है। सम्राट, तुम खुद मौत के मुंह में आ गए हो। तुम्हें मार कर वो सिंहासन अब मेरा हो जाएगा। सम्राट समझ जाते हैं वो एक जादुई तलवार है और उसके सामने लड़ना एक तरह की मूर्खता का प्रमाण है। ठहरो नरवीरा, तुम्हें सिंहासन ही चाहिए है ना? वो मैं कल दे दूंगा और अपने पुत्र को लेकर चला जाऊंगा। कल तुम महल में आ जाना, मैं सबके सामने घोषणा कर दूंगा कि ये राज्य अब तुम संभालोगे। मैं ये वचन देता हूँ तुम्हें। क्या सच में? मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्राण दे सकते हो, लेकिन अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ सकते। मैं ये वचन पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल महल में आना होगा। ठीक है, मैं कल महल में आऊंगा और तुम अपना कल वचन पूरा करोगे। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। सम्राट, 2 दिन बीत गए हैं। बिच्छू राजा के साथ समारोह भी संपन्न हो गया, आपके पुत्र की तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन ये नरवीरा महल आया क्यों नहीं? चक्रपाणी, वो दोनों जिंदा नहीं हैं। वो दोनों उसी दिन मर चुके थे। क्या? ये कैसे संभव है सम्राट? उन्हें उस तलवार का नियम नहीं पता था। वह तलवार खून तो पीती है, लेकिन बिना खून पिलाए उस तलवार को मयान में डाला जाए तो उस तलवार के आसपास जितने भी जीवित प्राणी होंगे वो उन सब का खून पी लेगी। तो सम्राट, आपने वचन दिया था, उसका क्या? मैंने उसे वचन दिया था कि अगर तुम महल में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सिंहासन दे दूंगा। सम्राट, आप पराक्रमी होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी हैं, आज मैंने देख लिया।